हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खुली हवा में बैठे हैं हम और वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो यार, आप सभी को पता है कि दोस्तों, मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विद परमानेंट कोलोस्टमी। मुझे 11 साल से कोलोस्टमी बैग है। और ये वीडियो में हम स्पेशली ऑस्टमी पेशेंट्स के ऊपर बात करेंगे और कैंसर सर्वाइवर्स के ऊपर बात करेंगे। कहीं ना कहीं एक स्पेशल टॉपिक, वो है मैरिज। यस, मैरिज। अभी दोस्तों शादियों का सीज़न चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अप्रैल मई में बहुत शादियां होती है हिंदुस्तान में, तो अभी वही सब चल रहा है। यहाँ पे मेरे घर में भी शादियां हैं। तो बहुत बार मुझे ये सवाल पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि आपको ऑस्टमी बैग है, आपको कैंसर भी हुआ था, और क्या यही वजह है कि आप सिंगल हो, या तो आपने कभी शादी नहीं की, या तो आपकी शादी अभी हो नहीं सकती। तो ये बहुत कॉमन सवाल है, या तो कॉमन चीज़ है जो लोगों के मन में आता है, जो या तो यंग है या तो ऑस्टमी जिनको लग चुका है और सिंगल है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या सोचना चाहिए, और ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें अपना मानसिक संतुलन कैसे रखे ये सब चीज़ों के, क्योंकि ऑब्वियसली आप यंग हो तो आपका दिमाग ये सब चीज़ों में जाता ही है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी का ऑस्टमी बैग से या तो कैंसर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यस, इस चीज़ को आप समझ लो तो ही कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर होगा, या तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचकर टेंशन लेते रहोगे कि यार ऑस्टमी बैग की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें वंचित रह गई, या तो कैंसर की वजह से मुझे वो सुख अभी नहीं मिलेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने आप को, खुद को ही स्ट्रेस में और खुद को सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन में आप खुद ही ऐड कर रहे हो। और सच बोलूं तो शादी का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। यस, मैं बहुत अनेकों लोगों को देखा है पूरे दुनिया भर में जो फिजिकली विकलांग हैं, फिजिकली बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, फिर भी कहीं ना कहीं वो मैरिड है और उनकी ज़िंदगी चल रही है। यस, ज़िंदगी चल रही है। शादी दोस्तों, आपको क्या बोलूं, मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐसा खूबसूरत शरीर है, मतलब हमारी तो बात ही अलग है, उनके पास खूबसूरत शरीर है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, फिर भी उनकी पास या तो शादी नहीं है, या तो डिवोर्स हो चुका है, या तो कुछ भी हो चुका होगा, पर वो लोग उस चीज़ में नहीं हैं। वो जो सुख होता है ना मैरिड का, वो नहीं है उनके पास। या तो दुनिया के इतने बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी डिवोर्स करके बैठे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान ऋतिक रोशन, उसका भी डिवोर्स हो चुका है। तो उनसे तो कहीं ना कहीं हम शरीर में बहुत वीक है ना। यस, तो शादी का इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। शादी का एक ही सिर्फ कनेक्शन है, वो है दोस्तों किस्मत, और वो है आपका कर्म। यस, किस्मत में अगर आपके कोई भी लाइफ पार्टनर है, यस आई मीन लाइफ पार्टनर है, तो दोस्तों आपके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, आप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी में हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाओगे, या तो आपकी मैरिज हो जाएगी, या तो आप सेम कैटेगरी की पब्लिक से शादी कर लोगे, या तो सेम टाइप की पब्लिक आपसे जुड़ जाएगी, या तो कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो भी आपसे जुड़ जाएगी अगर उसका कोई कर्मा एसोसिएशन है आपके साथ में। यस, मतलब उसका कोई कर्मों का लेखा जोखा आपके जीवन के साथ में लिखा हुआ है, तो दोस्तों वो सात समुंदर
पार से भी कोई ना कोई आ जाएगा, या तो कहीं से भी आ जाएगा। यस, और नहीं है ना दोस्तों, नहीं है ना, तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे मतलब खूबसूरत हो, दुनिया के सबसे पैसे वाले हो, फिर भी वो चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। तो ये चीज़ें आप समझोगे, अपना दायरा बढ़ाओगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये रचना कैसे चल रही है, ये कोई बीमारी क्यों आती है, ये हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, और जीवन को एक स्पिरिचुअल वे में सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये आंसर मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस रहोगे, और कहीं ना कहीं हर चीज़ में आप है ना सोचते रहोगे कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, या तुम मेरे साथ में मतलब ये जो शादी वाली चीज़ है ये क्यों नहीं है मेरे लाइफ में। तो ये आपको काटती रहेगी, डिप्रेस करती रहेगी, और आप एक अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। तो इसीलिए जो आपकी किस्मत में है दोस्तों वही मिलेगा। यस, किस्मत में अगर आपके साथ में कोई है, आप बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे दोस्तों जिनको ऑस्टमी बैग लगा है, फिर भी वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छे से है, मतलब मे बी मैरिड है, पर फिर भी वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। मतलब तो ऑस्टमी एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑस्टमी को कभी भी आप ये ना सोचें कि इसके वजह से मेरी कोई चीज़ रुकावट है। अगर ये चीज़ अगर रुकावट होती तो दोस्तों जिनको जो मैरिड कपल है वो क्यों इस चीज़ को निभा पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि दोस्तों वो तब भी निभा पा रहे हैं क्योंकि उनको वो चीज़ निभानी लिखी है। उनका जो किस्मत का जो बैकेज है, या तो किस्मत के जो कर्म जुड़े हुए हैं, वो उनको आखिर तक मतलब निभाने हैं, तब भी वो चीज़ें वो लोग के साथ में चल रही है। अगर उनकी नहीं होनी लिखी होती, या तो उनसे कुछ भी टूटना या कुछ भी चीज़ें होनी होती है, तो दोस्तों वो एक छोटी सी बात से हो जाती है। ऑस्टमी बीमारी ये सब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में कौन जुड़ेगा, कौन आपके साथ में नहीं जुड़ेगा, और क्या आप सिंगल रहोगे या तो मैरिड रहोगे, या तो जिनके साथ में ये सब एक्सीडेंटल केस भी होते हैं जहाँ पे कोई डिवोर्स हो जाते हैं, ये सब भी दोस्तों किस्मत का ही एक हिस्सा है हमारे। तो नेवर टू फील डिप्रेस, कभी भी कोई चीज़ के लिए डिप्रेस फील नहीं करना है, और जो हमारी किस्मत है उसके हिसाब से ही चीज़ें हमारे लाइफ में मिलेगी, और जो चीज़ किस्मत में नहीं है वो चीज़ें दोस्तों पास आकर भी चली जाएगी। यस, पास आकर भी चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी छोटी मोटी लव स्टोरी सबके साथ में होती रहती है, पर ऑब्वियसली जब उनकी किस्मत लॉन्ग टर्म में जुड़ी हुई नहीं है तो दोस्तों वो छोटे से समय के लिए रहेगी, फिर वो फिर से अलग हो जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो कहीं भी लाइफ में आप डिप्रेस फील नहीं करोगे, और ऊपर वाले की रजा में रहो, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। यस, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए कभी भी डिप्रेस होने के लिए ज़रूरत नहीं है। जीवन जीने के लिए खुशी चाहिए, और खुशी अगर आप हर चीज़ में और चीज़ में देखने की कोशिश करते हो तो दोस्तों आपको मिल जाएगी। यस, बस नज़रिए की बात है। यस, नज़रिए की बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो मैंने कोशिश की आपको समझाने के लिए कि नेवर टू फील डिप्रेस, कभी भी कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो उसको डिप्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोस और भी आते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या बोलूँ मैं, कमेंट बॉक्स में आप वेलकम हो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछो। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और भी मैंने बना के रखे हैं। एक इंडियन ऑस्टमी चैनल है, इंडियन ऑस्टमी बॉय, इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और ऑस्टमी बेल्ट भी सेल करता हूँ, जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।